प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान दी जमात च तुहाडा स्वागत है। अज असी दसवीं दे 10 पाठ दा टॉपिक प्रकाश दा अपवर्तन करांगे। प्रकाश दा अपवर्तन की हुंदा है? जदों प्रकाश दी किरण एक माध्यम तों दूजे माध्यम विच प्रवेश करदी है तां अपने पहले रस्ते तों मुड़ जांदी है। इस नूं प्रकाश दा अपवर्तन कहिंदे हन। सब तो पहला तो करते हैं भी माध्यम दा मतलब की है। माध्यम दो तरह के ने, एक विरला माध्यम एक संघना माध्यम। माध्यम असी उन्हां नूं कहोंगे जिन्हां विचों प्रकाश की किरण लंघ सकती है पर वो थोड़े ठोस जा गैस जा द्रव रूप च हो सकते हैं। अपने आले दुआले मुख रूप से तीन तरह के माध्यम मिलते हैं जिन्हां विचों प्रकाश भी लंघ सकता है ते तिन्हां दियां अवस्थावां अलग अलग ने। पहली है हवा, दूसरा है पानी ते तीसरा है कच। हुण तुहानूं फर्क तां पता लग ही गया होएगा। जिहड़ा हवा है विरला माध्यम है, पानी उस तो संघना है ते पानी नालों संघना कच है। हुण असी प्रकाश दे परिवर्तन की परिभाषा है भी एक माध्यम तो दूसरे च प्रवेश करना, पर सानू की पता भी किधर नू मुड़ेगी ते इंदा भाव की है। जदों प्रकाश की किरण विरले माध्यम तो संघने विच प्रवेश करे तां अभिलंब वल मुड़ जाएगी। विरले भाव हवा तो मान लो असी कहने कच च प्रवेश कर दिए तां अभिलंब वल मुड़ जांदी है। मान लो आ एक कच दी स्लैब है, प्रकाश दी किरण आई एक हवा विचों, जदों ने कच च प्रवेश करना है तां वो की करेगी अभिलंब वल मुड़ जाएगी। जाना उन्हूं सीधा चाहिदा सी, सानू पता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा चलता है, पर वो अभिलंब दा मतलब है 90 डिग्री दा कोण। उनकी सतह अभिलंब वल मुड़ जाएगी, थोड़ा झुक जाएगी। तो दूसरा नियम है जदों प्रकाश की किरण संघने माध्यम तो विरले विच प्रवेश करे तो अभिलंब तो परे मुड़ जाएगी। हुण प्रकाश की किरण कच दे विच है, ये संघना माध्यम है, बाहर हवा है विरला माध्यम है। जदों इन्हें संघने माध्यम तो विरले माध्यम च जाना है तो ये अभिलंब तो परां झुक जाएगी। यानी जाना इन्हूं सीधा चाहिदा सी पर ये अभिलंब तो परां झुक जांदी है। ये सी साडे प्रकाश दे अपवर्तन दे दो नियम। धन्यवाद।